कैसा है खाना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके जस्ट पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ सिटी पैलेस को शेयर किया था, और अब हम जा रहे हैं चोखी धानी रिज़ॉर्ट। चोखी धानी रिज़ॉर्ट है और एक विलेज है, और ये देखिए हमें रास्ता पूछना पड़ रहा था क्योंकि इस दिन राजस्थान में नीट का एग्ज़ाम था और सारा इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो हमें रास्ता पूछ पूछ के जाना पड़ रहा था। और ये देखिए, ये है चोखी धानी रिज़ॉर्ट का एंट्रेंस। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल विलेज स्टाइल इसको बनाया गया था। ये देखिए, इसमें मुंह घुसा के फोटो खिंचवाना है। एक हटिया मेरा वजन उठा पाएगा? किधर है रिसेप्शन? और ये देखिए, ये रिज़ॉर्ट कितना अच्छा दिख रहा है, और इसको बिल्कुल ही विलेज स्टाइल में बनाया गया है। और ये है इसका प्रॉपर एंट्रेंस, यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है। और ये देखिए, यहाँ पर वेलकम ड्रिंक में छाछ है और जलजीरा है। थोड़ा सा हम अपने चेक इन टाइम से पहले पहुँच गए थे, इसलिए हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ा। और इसके बाद ये देखिए, अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। रूम पहुँचने के बाद मैं आपको रूम का टूर ज़रूर दूँगी। और ये देखिए, ये जो है ये चोखी धानी का रिज़ॉर्ट है, और इससे जस्ट लगा हुआ विलेज है। तो हम शाम को चोखी धानी विलेज जाएंगे। और अगर आप सिर्फ विलेज भी घूमना चाहते हैं तो आप जयपुर से यहाँ पर आकर आराम से घूम सकते हैं। शाम को 5 बजे से विलेज ओपन हो जाता है। हम इनसे सारी डिटेल्स ले रहे थे कि कितने बजे विलेज ओपन होता है, टिकट्स कहाँ पे मिलेंगी, खाना का क्या अरेंजमेंट है। जैसे कि अगर आप रिज़ॉर्ट में रुके हैं तो आप अपने डिनर का, जो आपको राजस्थानी खाना अगर खाना है तो आप उसके लिए कूपन यहीं से ले सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे विलेज में आएंगे जब आपको कूपन इश्यू हो जाएगा। ये देखिए कितना ग्रीनरी है, और बिल्कुल विलेज स्टाइल में यहाँ पे खटिया रखा है, झूला बना है, और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे घर बने थे जो कि रूम था। और बस हमारा रूम आ गया है, मैं रूम पहुँचने के बाद आपको रूम का टूर ज़रूर दूंगी। अभी ये गांव ही है। हाँ, इसका पूरा थीम ही है गांव। अच्छा, मुझे ना होटल्स में इतना स्टोरेज देने का कभी कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा। हाँ, ह्यूज बाथटब, सिंस देयर सो मेनी मिरर्स, राइट? इट्स प्रिटी गुड। इट्स पूरा क्या कहना चाहिए, मिट्टी विलेज का फील्स दे रहा है। mm-hmm.
साइज शेप कुछ बताओ, कितना है, कैसा है गाइस, को एक्सपेक्टेड है या नहीं? मींस यहां पे देखो तीन तीन टाइप के रूम है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 5000 से लेके 15000 तक का। ये हमारा बेसिक वाला रूम है और ठीक है, साइज भी अच्छा है, अच्छा ओवरऑल आई एम हैप्पी। ओके, साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन। हमने यहाँ पर दो रूम लिया है, यहाँ पे दूसरे रूम में ये देखिए चाय बन रही है। चाय मेड बाय माय हस्बैंड, लेट मी लाओ। तो अच्छे से बनाओ। क्या क्वेश्चन है? तो बन तो रहा है, टी वैन निकल चुका है। शुगर हमारे में बनना है, जरूरत नहीं। नहीं ठीक है, मैं कम ही होगी। ओके, चाय के बिना जीवन अधूरी। ये कहीं भी जाओ चाय जरूरी है। आइए मेरे साथ चाय पीजिए। छोटा बड़ा नहीं है, ये अलग अलग टाइप के पिलोज हैं, हार्ड पिलो, डॉक्टर सॉफ्ट पिलो और डॉक्टर पिलो, अल्ट्रा सॉफ्ट पिलो, कुछ कुछ पहली बार देखी हूँ मैं भी। फेदर पिलो, विच वन इज फेदर पिलो? लाइक हाँ सब में डिफरेंस, दिस इज एकदम हार्ड, ये सॉफ्ट, ये डॉक्टर पिलो है। लाइक इतनी पिलो है कि यहाँ पर सोने का जगह कम है और ये वैसे सो रहे हैं फ्लैट। ये मेरा वेज सैंडविच और ये बाबू का फ्रेंच फ्राइज सॉस। हाँ ये बाबू का फ्रेंच फ्राइज, टेक योर फ्राइज ले लो। ओह खा लो। सो फ्रेंड्स, अभी शाम को हम रेडी होके रिजॉर्ट से चोखीधानी विलेज जा रहे हैं और मैं अभी थोड़ा सा आपको रिजॉर्ट दिखाती हूँ, बाकी रिजॉर्ट को कल अच्छे से दिखाऊंगी और अभी आप मेरे साथ विलेज चलिए। ये देखिए, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप इस तरह का भी रूम ले सकते हैं जिसमें बीच में ऐसे आंगन बना हुआ है और चारों तरफ रूम है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, खाली था इसलिए मैंने इस तरह से वीडियो शूट कर लिया। और बाकी अलग अलग तरीके का रूम है यहाँ पे, एक कमरे वाले भी हैं, दो कमरे वाले भी हैं और इस तरीके का विला भी है। और आगे आप जाएंगे तो उसमें गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल तो अभी कोविड के कारण बंद है। और आगे एक और रेस्टोरेंट है, एक तो पीछे रेस्टोरेंट था, एक आगे है। और यहाँ पे Q2 की फोटोग्राफी हो रही है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था धोती कुर्ता पहन के। और अब हम जा रहे हैं विलेज की तरफ, रिजॉर्ट से विलेज बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे पैसेज बना हुआ है जिससे आप रिजॉर्ट से विलेज जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिजॉर्ट में नहीं रुकते हैं, सिर्फ विलेज घूमने आते हैं, तो उसके लिए बाहर ही बाहर से रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर ये रूम नंबर चेक करेंगे कि आप कौन से रूम के हैं और फिर आप जा सकते हैं। और जब आप विलेज में जाएंगे ना तो वहाँ पे प्रॉपर राजस्थानी फूड मिलता है, तो अगर आप इस रिज़ॉर्ट के हैं तो आपके लिए अलग अरेंजमेंट है। देखो राजस्थान इज़ ऑल अबाउट कल्चर, तो अगर आपको वहाँ के कल्चर को देखना है, क्या विलेज स्टाइल को एंजॉय करना है, तो आप इस जगह पे ज़रूर जाइएगा। बाकी ये है बहुत अच्छा। ये देखो इसमें अंदर जाने के बाद इस तरह से कुछ कुछ बना हुआ है और खटिया लगी हुई है, बहुत सारी अलग अलग गेम्स है, आप गेम्स को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो।
खेल, मुझे नहीं खेलना, चलो खेलता हूँ, चलो और इसमें घूम गए हम तो। कोई कोई छुपो, कोई छुपो, मैं ढूंढूंगी। अरे वो सीधा सीधा भूल भुलैया था, निकल है क्या? नहीं अभी तक नहीं निकले। उस तरफ होंगे ये देखिए, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे दुकान है ना, इसमें गेम्स हैं, अलग अलग गेम्स हैं। और इसके बाद मैं आपको शॉपिंग तरफ भी लेके चलूँगी। यहाँ पे कलाग्राम नाम का एक अलग से एरिया है जहाँ पे पूरी शॉपिंग की चीज़ें हैं, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हाथ से बनी हुई थी और राजस्थान की चीज़ें थी। गो एंड डांस देयर। और ये देखिए, ये सब जो छोटे छोटे हट बने हुए हैं, इसमें शॉप है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। ये आंटी कौन है? हमें यहाँ गोला देख के गोला खाने का मन कर गया। ये वैसे काफी कम जगह मिलता है, पहले तो बहुत मिलता था, बचपन में मैं बहुत खाती थी, बट अब नहीं दिखाई देता है। फिर यहाँ पे हमने गोला खाया। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सपना देखती थी इस मशीन को खरीदने का। तीन है ना? हाँ। कितने खाएंगे आप लोग? मतलब कौन सा फ्लेवर आई मैं? काफी गर्मी भी थी तो ठंडा खा के मजा आ गया। क्या बताई थी? तो लिए क्यों नहीं? लाइक 100 और 150 के। तो देखने चलते हैं। देखो यहाँ पे ना लाख की बनी हुई चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे साइड में एक एज्ड अंकल बैठे थे जो कि उस समय ही चूड़ियाँ बना भी रहे थे। सारे कुछ देखो, कुछ भी बना भी रहे हैं क्या? अच्छा लाख वो करके।
और ये देखिए यहाँ पे हैंड से ब्लॉक पेंटिंग हो रहा है, इसी को ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। ये जो दुपट्टा बन रहा है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, अगर इसका सेम पीस होता तो मैं ज़रूर ले लेती, लेकिन नहीं था। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और ये देखिए ये जो रिज़ॉर्ट वालों के लिए एक अलग से एरिया है जहाँ पे उनके खाने का अरेंजमेंट है, जीमण खास, हम यहीं पर खाना खाएंगे। और यहाँ पे ना अंदर खाना खिलाया जाएगा और बाहर ऐसे शूज़ वगैरह निकाल के आपको रख देने हैं, यहीं पे हैंड वॉश करना है और फिर अंदर जाना है। और यहाँ पर ये जो हमको रिज़ॉर्ट से कूपन मिला था वो कूपन मिला है, ये कूपन दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे पर पर्सन मतलब एक थाली 800 रुपए की है। और ये देखिए ये अंदर कितना अच्छा दिख रहा है, और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे चौकी लगा के इन लोग खाना खिलाएंगे हमें। और यहाँ पर बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बिल्कुल ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिलेगा। ये बेजर की रोटी, मक्के की रोटी, चिमड़ का चाट, मिर्च अचार, लहसुन की सब्जी, बाटी, ये चूरमा, बटर, हरी चटनी, सांगरी का चाट, ये सांगरी का चाट, दाल के पकौड़े। ओके गाइस, सो नाउ हम खाने बैठे। ब्रो कैसा है खाना? हाँ खाना खा के अब हम अपने रिज़ॉर्ट आ गए हैं। और खाने के लिए मैं ये कहूँगी कि खाना अच्छा था और थोड़ा स्पाइसी था, हम स्पाइसी उतना खा नहीं पाते हैं तो थोड़ा खाना वेस्ट हुआ, मतलब सभी के थाली में खाना बचता ही बचता था। बट हाँ, अगर आपको राजस्थान आके वहाँ के खाने को टेस्ट करना है तो आप ज़रूर करिएगा। Oh, man.